तो गाइस ये देख सकते हो आप कितना प्यारा नज़ारा है, ठंडा पानी और कलियर की देखो कितना ऐसे करके। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम योर फ्रेंड ताहिर गुरेजी। जैसा कि आप मुझे देख रहे हो अभी मैंने बैग लगाया है और मैं बैठा हूँ अभी मस्तन में और हम जा रहे हैं यहाँ से हबा खातून स्प्रिंग के पास और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बस 4 किलोमीटर यहाँ से दूर होगा और ज़्यादा नहीं। और जो भी गुरेज आएंगे वो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी लोकेशन है। और मिलते हैं, चलो भाई। वो जो आपको पीक दिख रहा होगा तो उसी के नीचे है वो स्प्रिंग। चल रहे हैं अभी, हम बस कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचेंगे हम और आपको बहुत अच्छा लगेगा उम्मीद है। तो बोलते हैं जनाब याक और ये यहाँ पे पाई जाती है। बस अब कुछ देर में हम वहाँ स्प्रिंग पे पहुँचेंगे, हबा खातून स्प्रिंग। और ये आप ब्यूटीफुल जो नज़ारा है आप देख दीजिए भाई, दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस वैली को क्या बनाया है हम बयान नहीं कर सकते। बस जी डिस्टेंस बाकी है वो आप देखोगे। अभी हम चल रहे हैं अछूरा में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें राइट लेना है, यहाँ से हमें जाना है स्प्रिंग की तरफ से और यहाँ से हम मुड़े और यही लोकेशन है। बस आप कुछ देर में हम वहाँ पे होंगे और ठंडा ठंडा पानी पी। ये जनाब आपको नया पुल मिलेगा यहाँ पे जो आपको क्रॉस करना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है यहाँ से। फाइनली हम वहाँ पे पहुँचने लगे और आप देख सकते हो कि आज कितना रश है यहाँ पे, कितने लोग आए हुए हैं। तो चलो फिर चलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे स्प्रिंग। तो यहाँ से हमें चल के जाना है आगे, यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ना इतना ठंडा पानी है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है जो हम अगर हम किसी बोतल में पानी भरते ना लाइक उसके ना ऊपर साइड से वो जो फ्रिज में हम रखते हैं लाइक वैसा ही। तो अभी बस शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, बस पहुंचने लगे हबा खातून स्प्रिंग पे। हम हैं इस टाइम जो हबा खातून स्प्रिंग है, देखो कहाँ से निकलता है और कितना ठंडा पानी है, बहुत 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 ठंडा पानी है। और कलियर की देखो कितना, देखो कितने टाइम तक मैं हाथ रख सकता हूँ पानी में। वो Go, 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 go!
पास पहुँचे तो देख सकते हो कितना यहाँ से पानी को निकल रहा है और ये ठंडा बहुत बिल्कुल ठंडा पानी और आपसे एक चैलेंज में करता हूँ कि अगर किसी ने एक मिनट तक यहाँ पे हाथ रखा ना एक मिनट तो गाइस ये देख सकते हो आप कितना प्यारा नज़ारा है। तो आपने ये स्प्रिंग भी देख लिया, इसी को हवा खातून स्प्रिंग बोलते हैं। और हवा खातून क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द फेमस पॉइंट हमारे कश्मीर की थी, झरना मैंने दिखाया, तो इसी को हम हवा खातून स्प्रिंग बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसका जो पानी है वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और मेरे ख्याल से अगर आप आना चाहते हो, अगर मेरा व्लॉग देख के बहुत सारों का मन हो गया, तो मींस कि आपको क्या करना चाहिए, आई जस्ट प्रेफर यू द टाइमिंग दैट्स कि आपको इवनिंग में आना चाहिए। एक तो आपका जो बोलते हैं ना इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और साथ साथ में आप यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हो, लाइक ठंडा पानी है पीने के लिए भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि बस ऐसे ही हम व्लॉग्स जो है बनाते रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना भी आपसे हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जस्ट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दिस हिडन ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली। सो प्लीज़ एवरीबडी इज़ रिक्वेस्टेड जस्ट शेयर दीज व्लॉग्स और इंशाल्लाह अब मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।